गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। वैसे मॉर्निंग नहीं हो रहा है, दोपहर में 3:13 हो रहे हैं और अपन आए हैं अभिषेक भैया के पास। अब क्यों आए हैं अभी आपको बताते हैं। भाई अपने साथ एक पोपट हो गया। पोपट भाई, अभिषेक भैया का ये कहाँ चला गया? हाँ, मुस्कान मोटर से दिख रहा है, उसके सामने इतना ये क्यों दिख रहा है? चेंज हो गया क्या? उधर है क्या अभिषेक भैया? कुछ दुकान पर भैया लगा दो। अच्छा ठीक है, तो वो है कहाँ? अब यहाँ आ रहे भैया, यहीं पे आएंगे। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ से तो गाड़ी मोड़ना भी एक बहुत टफ टास्क है यार। सामने देख रहे हो क्या भसड़ मची पड़ी है? अरे यार, डॉग के ऊपर चढ़ा दिया क्या? शिट यार, डॉग के ऊपर चढ़ा दिया बेवकूफ कहीं का। और ये ना सरिया निकला है यहाँ पे। ओ भाई, अभी बताता हूँ कि एक्चुअली मैं इधर आया क्यों हूँ। बढ़िया, पहले सरिये से बचा ले। अगर सरिया लग गया ना टायर में, भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। ओ भाई, अरे बच गया भाई। गड्ढा देख रहे हो पीछे? हाँ भाई, काफ़ी बड़ा गड्ढा है। बाकी यहाँ से भाई ने घुमाने की परमिशन तो दे दी, चलो अदरवाइज हमारी गाड़ी घूम भी नहीं पाती। हाँ, पहले घुमाते हैं, पहुँचते हैं। ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे लगा देते हैं। ये अभिषेक भैया का दूसरा वर्क स्टेशन, मतलब वर्कशॉप। मैं अभिषेक भैया को कितने दिनों से कह रहा हूँ कि अभिषेक भैया आपको ना एक हमारे पास भी खोलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सारी हेल्प ना अभिषेक भैया से लेता हूँ, बहुत सारे पार्ट्स में। अगर किसी गाड़ी में कुछ है ना, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप जाने के लिए अभिषेक भैया की हेल्प चाहिए ही होती है हमें। कैसे हो? हाँ, वो तो पूरा ही टूट गया, पूरा अलग हो रहा है। हाँ, वो बन रहा है ना भैया। अच्छा, बना रहे। चलो सही है। चलो अभिषेक भैया से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आप तो उसके बाद एक ही बार आए ना, एक तो डिलीवरी में भी लेट आए। डिलीवरी में भाई आया ही नहीं। हाँ, मैं वेट करता लेट। जब सब खत्म हो गया ना उसके बाद, वो गंदा क्यों है ये? जब सब खत्म हो गया ना उसके बाद, ट्रैफिक में फंसे रहे 2 घंटे। मैं बोला ना उस दिन बहुत लोग ट्रैफिक में फंसे रहे यार, बहुत। और सबको मैंने 4:30 का टाइम दिया था, मुझे पता था कि 4:30 से निकलेंगे तो बात फंस जाएंगे। पर्ची मिली है ना अपने को सरकार की तरफ से, सरकारी पर्ची। ये हमारी सरकारी पर्ची है, जो हमारे गाड़ी का नंबर अभी आएगा, ठीक है? ये अभिषेक भैया को मैंने भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मैं आया क्यों। देखो, अभी अपने गाड़ी पे HR 51002 है, लेकिन ये सर का है, मतलब जिनसे मैंने गाड़ी ली ना, उनकी गाड़ी का नंबर है। तो अब जो भी ना 000 वाला नंबर रहता है ना, मोस्टली लोग वो रिटेन करते हैं भैया, और रिटेन करते हैं, तो वो भी रिटेन कर रहे हैं नंबर। और ये 000002 वाला जो नंबर अभी आप मेरी गाड़ी पे देख रहे हो, वो दूसरी गाड़ी पे ट्रांसफर हो गया है, ठीक है? तो अपने को सरकार ने एक नंबर दिया है HR 70 का, मतलब हेड ऑफिस का जो नंबर होता है ना, HR 70 एक रैंडम नंबर दिया है, क्योंकि पहले 000002 का नंबर चेंज होगा HR 70 में, HR 70 का नंबर चेंज होगा 000003 में। तो अभी अपना इतना प्रोसेस हो गया कि 000002 वाला नंबर हट गया। अब BMW का लोन मैंने क्लोज किया था, क्योंकि मुझे BMW का 000003 चाहिए था। BMW के लिए हम बाद में नंबर ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, BMW वैसे भी अभी कम चलने वाली है। तो BMW का 000003 FB Facebook 000003 ये जो नंबर है, ये चढ़ेगा अपने LC पे। अब BMW पे क्या होगा, BMW की RC मैंने सबमिट कर दी थी बैंक को, क्योंकि वो नंबर ट्रांसफर करा रहे थे। BMW की RC दे दी। अब ये वाली RC होपफुली 2 दिन में मेरे पास आ जाएगी, ये वाली RC दे दूंगा, ठीक है? तो BMW का नंबर उतरेगा, HR 70 का कोई रैंडम नंबर BMW पे आएगा, और BMW का 000003 इस पे आएगा। देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग है, 000002 उतरा, HR 70 आया, 000003 उतरा, HR 70 आया, और दोनों जो 3 उतरा, जो 2 उतरा वो किसी और गाड़ी पे लग गया, उस किसी और गाड़ी के नाम हो गया, और 3 जो BMW का है वो लैंड क्रूजर पे आ जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। अभी मैं गया था एक जगह नंबर, हाय भैया कैसे हो, एक जगह नंबर, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई, मैंने पर्ची दिखाया, क्योंकि भाई आप नंबर ऐसे ही कोई नहीं प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि क्राइम बहुत होता है ना भाई, तो नंबर प्लेट से ही तो ट्रैक करते हैं भाई, गाड़ी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। तो और प्लस मैं जा रहा हूँ एक रोड ट्रिप पे 5-7-8 दिन के लिए, पता नहीं कितने दिनों के लिए, मैं होली के आसपास आऊँगा, तो मैं उस रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी पे 000002 तो नंबर नहीं चल सकता, क्योंकि 000002 तो ऑलरेडी हट गया। वैसे 000002 ज़्यादा अच्छा लगता, सिंगल डिजिट है ना गाड़ी के हिसाब से, VIP नंबर तो वो है, लेकिन अब VIP नंबर 000003 आएगा। उसके पहले मुझे ये वाला नंबर प्लेट गाड़ी पे लगा के इंश्योरेंस कंपनी को फोटो भेजनी है, ताकि गाड़ी का इंश्योरेंस हो पाए, क्योंकि 000002 तो मेरे नाम पे ही नहीं है ना। अब ठीक भैया के राज में अपन इधर ही बैठे थे, और अपना नंबर प्लेट भी आ गया है, ये HR 70F 5268, और ये अभी ना फिलहाल अपना टेम्परेरी नंबर है, क्योंकि इस पे HR 70 का नंबर हट के HR 26 आएगा, 26003। भाई ये नंबर ना अब ना 3 नंबर देखने की आदत हो गई ना, तो ऐसा नंबर थोड़ा पसंद नहीं आता, थोड़ा ऐसे लग रहा है।
और एलसी पे खास करके। हाँ चलो कोई नहीं, पहले ट्रिप की बात है, पहले ट्रिप तो निकाल लेंगे इससे, ठीक है। इसपे तो 0003 है, और अभिषेक भैया का उधर वाला जो वर्कशॉप है ना वो थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है, तो अभी अपना अभिषेक भैया को इधर इस नंबर पे कॉल कर सकती है, नंबर दिख रहा ऊपर, हाँ इस नंबर पे कॉल कर देना, परेशान मत होना, ठीक है, आपकी दुकान इधर है, इधर ही आना। थैंक यू अभिषेक भैया, चलो ठीक है, मिलते हैं ना जल्दी। हाँ भैया बिल्कुल आओ, ओके हाँ वहाँ से आते हो ना महाराष्ट्र से, फिर मिलते हैं। नंबर वाला तो काम हो गया, फटाफट इस नंबर भुला दूंगा, तो अब इस नंबर को ना फटाफट गाड़ी पे लगाना है और इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है, क्योंकि अभी जो कल इंश्योरेंस हुआ था ना 4002 के साथ हुआ, तो मैंने आपको बताया कि भाई भाई ये तो गाड़ी नहीं है आपके नाम पे, वो नंबर तो किसी और गाड़ी पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बात भी आप सही कह रहे हो। अब भाई इंश्योरेंस भी ना जब भी आप ट्रैवल करो, वैसे तो इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इस पर हम ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट यार रिटर्न टू इनवॉइस और जीरो डेप वाला इंश्योरेंस लेके हमेशा लेके ट्रैवल करो। और मैं HDFC अर्गो से ले रहा हूँ इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस का कितना पैसा रहता है वो एक बार इंश्योरेंस पूरा हो जाए तब आपको बताऊँगा कि कितने पैसे, इतनी बड़ी गाड़ी का इंश्योरेंस का कितना पैसा आता है। भाई बड़ी गाड़ी बड़ा पैसा, हाँ हर चीज़ बड़ा। और अगर ये हो गया ना, गाड़ी तो आज हमें मिल जाएगी तो कल मोस्ट लाइकली हम गाड़ी को टोयोटा लेके जाएंगे, हाँ क्योंकि गाड़ी को एक साल होने वाला है, तो वो कहते हैं ना कि या तो 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर, विच वन इज़ जल्दी, तो या तो कल लेके जाएंगे या फिर वहाँ से आने के बाद लेके जाएंगे, क्योंकि अभी एक साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ एक साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और टोयोटा की गाड़ियाँ ऐसी है ना कि भाई आप काला तेल भी डाल के चलाओगे ना मना नहीं करेगी। कि सच्ची ऐसा वेदर हो गया ना जैसे पता नहीं अभी बारिश वारिश होने वाली है, मैं तो नहीं निकाल रहा फिर गाड़ी, फिर तो मैं फॉर्च्यूनर ही लेके जाऊंगा, मैं नहीं निकालूंगा भाई। इतनी मेहनत से इतना टाइम लगा के सारी टीम ने ना गाड़ी रेडी की है, और बारिश में गंदी हो गई ना यार, तो मेरा दिल थोड़ा दुखेगा भाई। इंश्योरेंस कंपनी वालों का भी फ़ोन आ गया कि इंश्योरेंस के लिए ना इंस्पेक्शन रेज कर रहे हैं, एंड फिर वो ना अभी आधे घंटे के बाद शायद आएंगे, तो एक बार फिर से वही सारी फोटोग्राफ, वही सारी वीडियोज़, ये सारी चीज़ें बनेंगी। कोई बात नहीं, अपने पास सेल लेटर वगैरह है, वो सारा फॉरवर्ड कर दूंगा कि भाई RC आने में तो टाइम लगता है ना। अब वही होता है ना, जैसे आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको तो बस इनवॉइस मिलता है, एंड उस पर आप टेम्परेरी नंबर मिलता है, तो ये हमारा टेम्परेरी नंबर हो गया जो हमारे सीट पे रखा है अभी फिलहाल। कहाँ गया इंडिकेटर इस साइड का दिया, ट्रक मुड़ रहा है इस साइड। वाह वाह बहुत सही गुरु, बहुत सही, अभी भी इंडिकेटर दिया हुआ है और इस साइड से इस साइड आया, बहुत सही। ऐसे ही तो हम रोड एक्सीडेंट्स बचाते हैं, हा? लोगों को कन्फ्यूज करके, ताकि वो सिक्स सेंस पे गाड़ी चलाएं, हा? भाई बाकी नंबर प्लेट देखो, नंबर प्लेट अपना निकल रहा है, और ये वाला नंबर प्लेट ना थोड़ा सा छोटा है, मतलब छोटा इन द सेंस के साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, तो अभी इसको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा नंबर प्लेट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से फिक्स। बाकी इस पे ना ग्रफीन वगैरह हो गया भाई, कितनी मैसेज लग रही है, ख़तरनाक, कितनी मैसेज लग रही है, हाँ बहुत तगड़ी। अंदर भी पूरा कोटिंग वोटिंग हो गया इसके, मैं तो अपनी गाड़ी को भी ऐसा देख रहा हूँ जैसे कस्टमर की गाड़ी है ना, यहाँ पे आया तो भाई बहुत तगड़ी लग रही है अंदर तो, बहुत ज़्यादा। अभी दो चीज़ें और करनी है, वो कर दूंगा, एक तो फास्टैग इस पे लगाना है मेरे को, दूसरा डैश कैम लगाना है भाई। इंस्पेक्शन के लिए फिर से भाई आ गया, देखो अब हमने ना इस पे नंबर भी चेंज कर दिया, जो इसका एक्चुअल नंबर है ना वो भी कर दिया, और अभी गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी क्योंकि ना एज़ पर द इंश्योरेंस कंपनी ये वर्कशॉप है और वर्कशॉप में इंश्योरेंस नहीं हो सकता। बाकी कल हमने ना गणेश भगवान लाए थे ये, और दो तीन और चीज़ें अभी आपको दिखाते हैं, पहले एक बार भाई इंस्पेक्शन कर ले। तो गाड़ी एक बार बाहर निकाल रहे हैं, ये है भाई वाइट बीस्ट मॉन्स्टर गाड़ी। भाई थोड़ा साइड हो जाओ ना, आ जाएगी उनको पता है, रहने दो साइड हो जाओ। लेकिन यार बारिश हो रही है ना, इस पर भी सारा काम हुआ है, गाड़ी और गंदी ना हो जाए। ये देखो बंदा चाबी बाहर लिए खड़ा है गाड़ी, ये बढ़िया है, ये तो कोई भी ले जाए इसे। कहाँ और नहीं बाहर ले जानी है, कहाँ ले जानी है, यहीं पर भैया भी कंफ्यूज है, किसी से पूछ रहे हैं भाई। अमेजोन ना घटिया हो गया, घटिया, मतलब मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था
भाई एक तो उनको लोकेशन नहीं मिलता, कैसे क्या लोग हैं यार, मतलब अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई लोकेशन, मैंने कहा भाई ये डाल दो गूगल, नहीं नहीं मैं इस दवाई की दुकान, अब मैं दवाई का दुकान कहाँ खोजूँ यार, बहुत ही मतलब बेवकूफ जैसी बातें करते हैं कभी कभी यार, बहुत ही बेवकूफ। बाकी भैया इंस्पेक्शन कर रहे हैं अभी सारा, वो वापस से गाड़ी बाहर निकाल के करवा रहे हैं, तो ठीक है अभी करते हैं। भैया कह रहे हैं मैं तो अंदर भी कर देता, नंबर ये नहीं रहेगा ना, ये वाला नंबर नहीं रहेगा, ये नंबर तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये तो सच्ची बात है कि इस पे नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखो इस पे नंबर, हाँ नंबर ट्रांसफर हो रहा है, हाँ ये पंचकूला का है भाई, अब नंबर जब इस पे वापस से आएगा ना तभी अच्छा ज़्यादा लगेगा। भाई ये भी तो साफ रहना चाहिए। होगी गंदी, होगी गंदी, गंदी गंदी सन्ने गाड़ी। कहाँ गंदी हुई यार, नहीं वो देखो। मिट यार अभी साफ करवाता हूँ, साफ करवाऊँ। ये साथ कपड़ा लेके चलेंगे अब। जो जो गंदी हुई कपड़ा मारो, कपड़ा मारो। लेकिन कितनी सी कपड़े कपड़ा भी मारेगा। ये ग्रेफिन कितना सही हुआ ना, उसमें ब्लास्ट लग रहा है। अरे घुमा के। कितनी प्यारी लग रही है, अभी बुरी भाई हमारे नए नए वे में नई नई गाड़ी, पहली गाड़ी मतलब ये आ रही है, बहुत अच्छा। लेकिन क्यों आ रही है इतनी, स्लिपरिंग आ रही है, लेकिन टू एक्स पे भी आ रही है, एस पे भी आ रही है, वाइट कलर भाई ये गाड़ी ना पहली गाड़ी ऐसी है जो इस बे पे एंटर हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रहा है, ठीक है कुछ लाइट वाइट का इशू है, ठीक है तो देखो ये फ्लिकर कर रहा है, बट इसको 0.5 पे करते हैं अभी। 0.5 पे ना आपको पता चल रहा होगा ये पहली गाड़ी है जो, ये हमारा नया बे है ना, मतलब आज देख लो बे की लाइट वाइट भी, अरे अभी भी फ्लिकर हो रहा है यार, लाइट की तरफ करने में फ्लिकर, हाँ हाँ लाइट की तरफ करने में फ्लिकर हो रहा है। बाकी ये जी देखो कितना बड़ा बे है, और इस पे ना मैंने पूरी गाड़ी घुमाई, मतलब ये बेसिकली ना अलग अलग बे है, तो इस पे ना मैंने पूरी गाड़ी घुमाई और कोई इशू नहीं था। बाकी बहुत ज़्यादा फ्लिकर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्लिकर हो रहा है, अभी अभी सही है 2x, मुझे पता नहीं क्यों फ्लिकर हो रहा है, सही नहीं लग रहा है फ्लिकर होते हुए, ऊपर कर रहा हूँ ना तब हो रहा है शायद। चलो ठीक है अभी हल्का सा इस पे पानी वानी मार, मतलब पानी जो लगा है ना वो पोंछ देंगे एक लास्ट बार ना, वापस से सारी मेहनत हमें वापस से करनी पड़ रही है। हाँ विनोद भैया सारी मेहनत वापस से करनी पड़ रही है ना, वैसे मैंने कोशिश की एकदम धीरे धीरे निकालने की, कस्टमर की गाड़ी में करनी पड़ती है तो 4 लाख का पता लगता था। हाँ ये तो है भाई, नई नई तो फीलिंग तो वैसे ही आती है ना एकदम सही वाली, तो अभी ना वापस से टायर में ना हल्की मिट्टी है ना बाहर, तो मिट्टी लगी है तो वापस से इसको कोट कर रहे हैं, प्लस जो भी थोड़ी बहुत बारिश के बूंदे थे ना वो चेंज कर रहे हैं। विनोद भैया इस पे हमने ग्रफीन कहाँ कहाँ पे किया है, क्रोम पार्ट पे, अच्छा शीशे पे, वाइजर पे क्यों किया, अच्छा वाइजर पे भी ग्रफीन किया है, पीछे वाले जितने भी शीशे हैं, अच्छा इस पे भी ग्रफीन किया है, इन पे ये छोड़ दिए हैं क्योंकि ये अप डाउन होते रहते हैं। हां ठीक है छोड़ दिया, बाकी हैंडल पे सब पे बैक लाइट फ्रंट लाइट, फ्रंट लाइट पे तो पीपीएफ भी था, हां उसको पीपीएफ के ऊपर भी कर दिया था, अच्छा ताकि, और क्रोम पे भी, अच्छा ये क्रोम पे भी पूरा किया है ना, सब तो भाई इसका तो ना डिटेल्ड वीडियो आपको ना ETU स्टूडियो वाले चैनल पे दिखेगा, तो उसका डिटेल हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी PPF के अलावा भी ये सारा ग्रफीन, ताकि ना कभी भी स्क्रैचेस नहीं आए यार, अब देख रहे हो कितना क्लियर है, मतलब मेरी शक्ल दिख रही है इतना क्लियर है, टाइम लगा लेकिन भाई गजब गजब चमक रही है, और ये तो वाइट है, सोचो ब्लैक गाड़ी होती ना ग्रेजुअली कुछ टाइम बाद ये ब्लैक हो जाएगी। भाई तो गाड़ी चली गई, मैं थोड़ा सा सर के साथ ऑक्यूपाइड हो गया था, इसके लिए ना हमने फास्ट टैग मंगा लिया था क्योंकि अभी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं ना, और फास्ट टैग लगाने से पहले ही मैंने इसमें रिचार्ज भी करवा दिया है, तो अब ये फास्ट टैग लगाएंगे और इसके साथ साथ हम लगाएंगे डैश कैम। इसमें एक चीज़ देखो, इसका जो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, मतलब ताकि धूप नहीं आए, ये कितना बड़ा सा बना हुआ है यार, यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, ये बहुत बड़ा, तो उस साइड आके इसको पूरे चेक करके फिर लगाते हैं, और क्या ना कि अगर कुछ खोलना फोलना पड़ा तो यहाँ से फटाफट वायरिंग भी अंडरग्राउंड कर देंगे इसका। तो बैठने हाथ लगाने तक का मन नहीं कर रहा, मैं चलाऊंगा कैसे इस गाड़ी को, हाँ मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को हाथ लगाने तक का मन नहीं कर रहा। अब इसको पहले एक बार खोल के
ये कर लेते हैं। तो पता एक इंस्टाग्राम पे की है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, टाइप सी सिर्फ चार्जर नहीं है, वो ऐसा है ना कि लड़की मुझे बोल रही है। गाड़ी निकालने से पहले, ट्रिप पे जाने से पहले, ठीक है, गणेश भगवान हमारे हर एक गाड़ी में रहते हैं, तो गणपति बप्पा मोरिया ये लगा देते हैं। इसमें डबल टेप हमने लगा दिया, ये हमने गणेश जी लाए थे और ये रहेंगे यहाँ पे मेरी तरफ देखते हुए, मतलब ड्राइवर की तरफ देखते हुए। आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ड्राइवर को चाहिए, वो ड्राइवर सही सलामत रहेगा तो बाकी पैसेंजर भी सही सलामत रहेंगे। तो जय गणपति बप्पा मोरिया। लग गया ना, अरे नीचे हाँ लग गया। अब ये यहाँ से लाऊं, ऊपर से लाइए आप, क्योंकि इतना बड़ा वायर नहीं है। ऊपर से कहाँ से? जहाँ आप बता रहे हैं ना, यहाँ से। हाँ ओ भाई लग गया। हाँ हेलो डिंग डिंग। हाँ भाई इसका दूसरा वाला ये था ना, अच्छा यही तो मंगवाया था मैं। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो ये सब सब में अब बोलेगा ना, हेलो डिंग डिंग। सर हाउ इज द लग्जरी रूम? इट इज वेरी गुड यार, मतलब सीरियसली यहाँ पे ना, मतलब सीट पे बंदा कोई नहीं बैठेगा। हाँ यहाँ पे अंदर ना लाइट वाइट की भी कमी नहीं है। ये तो लाइट अच्छी है। हाँ और एसी भी है भाई, क्योंकि ना बाहर कंट्रीज में ना ये 7-सीटर आती है, तो ये देखो पीछे ग्लास होल्डर वगैरह दिया हुआ है ना, बाहर में इसमें सीट रहते हैं, ठीक है, तो 7-सीटर आज तक तो मैंने कभी यूज नहीं किया, तो आज कहाँ से भाई खोल, खोल दो बना लो आप। ओ भाई बहुत तगड़ी गर्मी लग रही थी अंदर। हाँ कुछ भी हो गर्मी वापस आ गई, मैं तो जूते खोल के ऊपर चढ़ा था, मैंने कहा भाई गंदी नहीं करनी। एक और चीज़ जो मुझे अभी दिख रही है कि इसका हेडरेस्ट बहुत ऊपर है और वो चीज़ एडजस्ट करनी है। भाई फाइनली आज अपनी LC चलाने का मौका मिलेगा। हाँ क्या जबरदस्त लग रही है ना, मस्त लाइटिंग। हाँ कांट वेट टू टेक दिस बीस्ट बैक ऑन हाईवेज। बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है भाई, बहुत ही तगड़ा। मैं जब से आई थी ना तब से तो चलाया ही नहीं था यार।